नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24/7 के साथ और मैं हूं आपके साथ पूजा। जैसे कि इस वक्त मैं मौजूद हूं बोरिंग रोड चौराहा के पास। जी हां, जैसे कि आप देख सकते हैं बगल में वी-मार्ट है और उसी के बगल में शिव मंदिर है। जी हां, जैसे कि आपको बता दें आज हम आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। जी हां, जैसे कि आपने देखा होगा कूड़े कचरे को लेकर लोग काफ़ी जागरूकता को फैला रहे हैं। जैसे कि आए दिन रोड पे, सड़क हो या चौराहा हो, हर जगह वो कूड़े और कचरे को फेंक देते हैं। प्लास्टिक बोतल हो या कोल्ड ड्रिंक का बोतल हो या मिल्क पाउच हो, लोग कचरे में डस्टबिन में फेंकते हैं, साथ ही साथ सड़क पर ही फेंक देते हैं और चौराहे पर फेंक देते हैं। लेकिन इसी को लेकर आज हम आपको बता दें बिहार सरकार ने एक मशीन को लॉन्च किया है। जैसे कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक मशीन है। इस मशीन की क्या खासियत है, कैसे इसको प्रयोग किया जाएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से। जैसे कि आप देख सकते हैं एक बोतल डालने के बाद इतना टाइम लग रहा है, क्या ऐसा मशीन लगाने से क्या हमारा बिहार स्वच्छ हो पाएगा? चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस मशीन के बारे में वो सोचते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। इस मशीन के बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी न्यू है, अभी इसको लागू होने में बहुत समय लग सकता है, जिस तरह से वर्क कर रहा है। वही तो देख रहे हैं कि हम लोग कब से खड़े हुए हैं, एक बोतल उसने डाल के कितनी बार हम लोग देख चुके हैं, लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रहा। कूपन नहीं दे रहा है, कूपन के लिए इन लोग आते हैं इसमें बोतल डालने का प्रयास करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं लग रहा है। आपने इसमें डाल के देखा था? नहीं, मैंने तो नहीं ट्राई, अभी ट्राई नहीं किया है। ऑलरेडी पहले ही देख रहे हैं कि किसी का हो नहीं रहा है, तो इस मशीन से कुछ हो पाएगा, हमारा ये राज्य स्वच्छ हो पाएगा? थोड़ा बहुत करेक्शन का जरूरत है इसमें, और रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा इसका, है ना, सही तरीके से काम करे तो इससे फायदा हो सकता है। जैसे बिहार सरकार ने एक अच्छा सा मशीन यहाँ पे हमारे, हमने देखा है कि बिहार में कहीं भी ऐसा मशीन नहीं देखा गया है, यहाँ बोरिंग रोड चौराहा पर ही ऐसा मशीन हमने पाया है, और उसमें भी ऐसा प्रोसेस चलेगा तो लोग एक रिवार्ड के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पे बॉटल सरकार के लिए हो सकता है ट्रायल हो। अच्छा, आगे चल के सुधार होगा तो काफ़ी काम कर सकता है, है ना? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, बोतल को उसमें डाला जा रहा है, लेकिन आप यहाँ भी देख सकते हैं कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो इतने टाइम तक यहाँ खड़े होकर कचरे को इसमें फेंक कर अपना टाइम एक रिवार्ड के लिए वो यहाँ रुक सकते हैं और कचरे को इसमें फेंक सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूछते हैं इनसे, बातचीत करते हैं कि हेलो, क्या हुआ अंकल, आप यहाँ इतने देर तक खड़े हैं, क्या आप इसमें कचरे फेंकने के बजाय आप दूसरी जगह जाना चाहेंगे? नहीं, हम देखने आए हैं। आपने ट्राई नहीं किया है? आपने ट्राई किया अंकल? देख रहे मशीन को किस तरह से वर्क कर रहा है? देख रहे हैं। इतना टाइम लग रहा है तो क्या लगता है आपको, ये मशीन सही है? या हम बताएंगे एक रिवार्ड के लिए, आपको पता होगा कि इस मशीन से नहीं पता है कुछ। चलिए इस मशीन के बारे में कुछ लोगों से जानते हैं और उनसे पूछते हैं क्या ये मशीन वर्क कर रहा है, काम कर रहा है या नहीं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या हुआ? सौरभ कुमार। इस मशीन की खासियत क्या है, कैसे इसको यूज किया जा सकता है, इसके बारे में बता दें। ये बोतल क्रश करने का मशीन है, इसमें आप यहाँ पे बोतल रखिएगा, ये ऑटोमेटिक अंदर लेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे आकर आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर आप अपना डालिएगा, फिर इसमें ऑफर देगा आपको, जिस जोमेटो, स्विगी, पेटीएम पे कैशबैक देता है, उस आपको क्लिक करना है, आपको जिस पे मतलब चूज किया, पेटीएम पे चाहे स्विगी पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको कूपन निकलेगा, उसमें आपको डिस्काउंट रहेगा, कितना परसेंट, 4% या 60% ऑफ रहेगा। अच्छा, इस मशीन का यूज़ लोगों ने किया है? हाँ, बहुत किया है। तो जो सड़कों पे कचरे बिगे रहते हैं, कचरे फेंके रहते हैं और तमाम चीज़ें देखते हैं कि बॉटल, पानी का बॉटल हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, सारा फेंका रहता है, लेकिन यहाँ पे जो इससे कूपन प्राप्त हो रहा है, रिवार्ड मिल रहा है, लोग यूज़ कर रहा है। अब जिसके पास है यूज़ कर रहा है, उसमें जो जिसके पास कूपन गया निकाला है वो यूज़ कर रहा है। अच्छा, एक डेमो दिखा सकते हैं क्या? बोतल होगा तो जरूर दिखा। ठीक है, हो गया। बस दिखा।
प्रोसेस में टाइम लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कितने प्रोसेस में अब टाइम लग रहा है। हमने वहाँ बॉटल डाला और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर डालने के बाद पेटीएम या कुछ भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। उसके बाद ये कूपन निकलने में कितना टाइम ले रहा है, वक्त ले रहा है। क्या लोग यहाँ एक कूपन एक रिवार्ड के लिए लोग यहाँ कचरा फेंकना मंजूर करेगा? क्या लगता है? इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करें, ये मशीन क्या वर्क कर रहा है अच्छी तरीके से, आप इस मशीन के बारे में क्या सोचते हैं, इसकी राय ज़रूर दें।